ये चैप्टर थोड़ा केमिस्ट्री टाइप है, कैसा है इसे डिस्कशन से ज्यादा आएगा, बाकी आपको सीखना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री टाइप चीज है ना, वो आपने पढ़ ली सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा वेव ऑप्टिक्स कहाँ पहुंच गया तुम लोगों का? डायफ्रेक्शन पोलराइजेशन, हाँ तो डायफ्रेक्शन पोलराइजेशन जेई मेन का टॉपिक है, वो पढ़ लेना। डायफ्रेक्शन और पोलराइजेशन याद करके छोड़ना मत कुछ भी। डायफ्रेक्शन पोलराइजेशन, ब्रेवस्टर्स लॉ, मेलस लॉ, रिजोल्विंग पावर, क्या चीज ध्यान सुनना। सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन पढ़ना है, जेई मेन के लिए एक्स्ट्रा पोर्शन है। सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन, ब्रेवस्टर्स लॉ, मेलस लॉ, रिजोल्विंग पावर, क्या चीज? रिजोल्विंग पावर फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, वो पढ़ लेना याद करके। मैं बोल दूंगा वैसे एक बार, मैंने बोला था उस बात के लिए। इधर देख, सरफेस टेंशन, क्या चीज? सरफेस टेंशन, वो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, जाना थोड़ी अपन लोग तब कहां जाना है, 20-25 तारीख फ्री करूंगा मैं। इधर सुन, सरफेस टेंशन क्या चीज? सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की अगर अपन बात करें तो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी क्या एक अलग टॉपिक है। सरफेस टेंशन ऐसा आप समझो कि सरफेस टेंशन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप जब पानी की बूंद टपकती है तो स्क्वायर में आती है, गोले में? सर्कुलर आती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप अगर कभी, आपने पता नहीं ऐसा देखा नहीं देखा, आपने कभी ध्यान से देखा हो तो अगर हम बहुत धीरे से एक निडल को रख दें पानी पे तो तैर जाती है। निडल पतली सी, यानी कीला रख दिया मोटा सा, पतली सी निडल नहीं होती है जो सुई वाली होती, पतली वाली इंसानों को जो लगती है, वो तैर जाती है। कभी करके देखना, बहुत धीरे से, वही ऐसे नहीं छुपाक तो नहीं, जबकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर फ्लूइड के हिसाब से सोचे तो वो कभी भी तैर नहीं, पर वो तैर जाती है, क्योंकि सरफेस पर एक फिनोमेना है जो बेसिकली सरफेस में स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। किसी तरह मतलब समझो जो पूरी सरफेस, उसमें खिंचाव है। क्या है ऐसा समझो, पूरी सरफेस, कौन सी सरफेस? पानी। बोलो भैया, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप मान लो पानी ढोल दो यार, मान लो पानी ढोल लो अपने वहीं कहीं पे, और थोड़ा सा ऐसे नहीं 1-2 किलो ढूंढ लिया, अब ढोल दो, देखो जब आपने ढोला था ना उसके बाद ये सुकुड़ गया थोड़ा सा। अरे यार हाँ ना बोल, तू उसको पानी वैसे कर, डर अपने आप सिकुड़ेगा थोड़ा सा। अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि वो अपना सरफेस कम करना चाहता है। क्या कम करना चाहता है? क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं ऐसा समझो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो कोई भी चीज अपनी एनर्जी कम रखना चाहता है कि ज्यादा? कम की ज्यादा, कम की ज्यादा। अब बाहर ज्यादा जीरो नहीं कर सकता, बट आप ऐसा समझो कि द पार्टिकल्स दोज हु आर ऑन द सरफेस, द पार्टिकल्स दोज हु आर ऑन द सरफेस, उनकी एनर्जी द पार्टिकल्स दोज हु आर इनसाइड द मटेरियल उनसे ज्यादा है। एंड द मटेरियल, और आप ऐसा समझो कि पूरा सिस्टम ट्राइज टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी, ट्राइज टू एक्वायर द अगर वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो बेसिकली वो एक फोर्स लगाता है सब पे, छोटे जिसे अपन, आप समझो कि एक खिंचाव, क्या चीज? सरफेस में डेवलप होता है, जिसे डिफाइन करा गया सरफेस टेंशन से। किससे? नाम ही बता रहा है, सरफेस पर टेंशन। किस पर? सरफेस टेंशन, वो नाम उसी तरीके से आया है। ये स्टार्ट करने से पहले हमें दो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता है, पर फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं। कोहेसिव फोर्स है, ये सब लोग जानते हैं क्या? कोहेसिव और एडहेसिव जानते हैं क्या? नहीं जानते। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स नहीं जानते तुम? अबे तो अंग्रेजी भी है। एडहेसिव क्या होता है? जो दो चीजों को जोड़ते हैं। छोड़ रहे हैं, तुम पता है ऐसी बातें बोला करो जिससे ना अच्छा लगे, मतलब पता है तुम्हें, पता है कोर्स खत्म हो गया है, तो पता है ऐसे कोई बात नहीं बोला करो, हार्ट अटैक आ जाए मुझे, है ना, मतलब सब चीज बोला। हाँ सर, हाँ सर आता है सर, भले नहीं भी आता हो तो भी। कोहेसिव फोर्स, अगर एक ही मटेरियल है उसके दो मटेरियल के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ना, दो पार्टिकल्स ऑफ द सेम मटेरियल, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम मटेरियल, उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? कौन सा फोर्स? मान लो वाटर है तो उसके वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हैं, उनमें आपस में जो फोर्स है उसे क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। सिंपल अपनी भाषा में डेफिनेशन लिख लेना, इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स।
सिंपल सेम मेटेरियल के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, उन्हें बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अगर दो मेटेरियल, जैसे मान लो कि दो मेटेरियल ऐसे आसपास रख दिए, ये एक मेटेरियल वन, ये एक मेटेरियल टू, बोलो क्लियर, मेटेरियल वन ये मेटेरियल टू, इनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा ए और बी के बीच में, ये क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स। क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स। सिंपल, इसे ही बस एडहेसिव बोलते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखो तो फेविकॉल क्या एडहेसिव कहलाता है, दो चीजों को क्या कर देता है, तो बेसिकली एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जोड़ता है वो। अरे भाई हाँ ना बोल यार, वो करता क्या, उसमें एडहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर उसमें एडहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे तो वो इस वाले सरफेस के पार्टिकल को अपने से जोड़ लेगा और इधर वाली सरफेस के भी अपने पार्टिकल को जोड़ लेगा, तो पूरा सिस्टम। अरे भाई मान लो मुझे दो चीज जोड़नी हो तो उनके बीच में फेविकॉल होती नहीं होती? फेविकॉल जानते हो? फेविकॉल थर्माकोल में अंतर पता है? फेविकॉल थर्माकोल एक चीज, अलग अलग, दोनों वाइट होती है सर। मुझे बचपन में एक दुकान पे फेविकॉल लेने गया तो मैंने बोला भैया फेविकॉल दे दो, तो उसने बोला फेविकॉल तो नहीं है पर उससे अच्छी थर्माकोल है, लोगे? मेरे साथ सही में हुआ ऐसा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। दुकानदार को पता नहीं था थर्माकोल और फेविकॉल में अंतर। ये रे कई लोग तो पीछे बैठे, अच्छा क्या अंतर है साला, वो है पीछे कई लोग अपने दुकानदार जैसे एकदम। इधर देख, एड्रेस पर टाइम पास मत करो यार, आंटी की मैंने कहा आई एम सॉरी। एड्रेस फोर्सेस क्या होते हैं बताओ? आता ही नहीं बताओ, आता है तो मुझे पता है। एड्रेस फोर्सेस क्या होते हैं? जो डिफरेंट मेटल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और जो सेम मेटल के बीच में पार्टिकल्स में फोर्स लगते हैं क्या बोलते हैं? लिख डालो फटाक से, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। शुरुआत यहीं से करो, कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस, और अपनी भाषा में लिख डालो जो मैंने बोला, कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस, जल्दी से लिख डालो, कंफ्यूज मत हो, लिख लो। कोहेसिव फोर्सेस एक ही मटेरियल के दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। और दो डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। उतार लिया? अब देखो कुछ कहानी लिखे कि मान लो इधर देखें, आप ऐसा समझो कि मान लो दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, किसकी एनर्जी ज्यादा है? ए की। आप ऐसा समझो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी कहां पे होते हैं? सरफेस, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसा आप समझे, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो कोई भी बॉडी क्या मतलब, कोई भी सरफेस लिक्विड्स में जो अपनी सरफेस जनरेट हो रही है वो अपनी सरफेस को कम करना चाहेंगी कि ज्यादा? हम नॉर्मल लाइफ में से देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, पानी को ढोलो हाथ से करो, जितना आप खींचोगे शुरुआत में फैलेगा फिर अपने आप, क्योंकि वो चाहता है। अगर अपन ध्यान से देखें, जो आपकी पानी की बूंद टपकती है वो गोल क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, मुझे किसी वॉल्यूम को मिनिमम सरफेस एरिया में करना हो तो वो क्या होता है? स्फीयर। क्या होता है? क्या आपने मैक्सिमम मिनिमम में सवाल करा था कि नहीं करा था? मेरे पास वॉल्यूम है, उसको मिनिमम सरफेस एरिया में करना है तो क्या द शेप शुड बी स्फीयर? शेप शुड बी स्फीयर। हियर इज द एग्जांपल। अगर मुझे अपने पार्टिकल्स की मिनिमम एनर्जी करनी है तो मुझे सरफेस में सबसे कम पार्टिकल होने चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास एक फिक्स वॉल्यूम है तो क्या मेरे को उसको ऐसी शेप में रखना चाहिए जिससे कि मिनिमम सरफेस बने? तभी तो एनर्जी कम रहेगी। हाँ ना बोलिया, तो मैं उसकी स्फेरिकल शेप लेता हूं। कैसे लेता हूं? स्फेरिकल। तो आप एक बात समझे अच्छे से कि द पार्टिकल्स, आपको क्या लिखना होगा अपने शब्दों में, समझना अच्छे से कि अगर कोई भी लिक्विड है तो उसमें अगर जो भी पार्टिकल जो पूरे अंदर है उनकी एनर्जी, जो पूरे अंदर है उनकी एनर्जी कम होती है बनिस्पत उन पार्टिकल्स की जिन जो सरफेस पे, इसलिए हर एक लिक्विड चाहता है कि उसकी सरफेस मिनिमम हो। क्या हो? इसकी वजह से जो सरफेस में खिंचाव आता है, क्या आता है? उसी से डेफिनेशन आती है किसकी? सरफेस टेंशन। क्या डेफिनेशन है वो अभी अपन समझेंगे, पर उसका बेसिक मतलब यहां से पहले था जो मैं बोला चमका यार, हाँ ना बोल यार, फिर आप अपने शब्दों में एक लिखोगे, इसीलिए हमारा जो बूंदे टपकती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल, ताकि मिनिमम सरफेस एरिया रहे। अगर हम पानी ढोले और उसे थोड़ा सा फैलाएं वो अपने आप सिकुड़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सरफेस कैसी रहे? मिनिमम। क्योंकि जितनी कम मिनिमम सरफेस रहेगी क्या उतने नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे कम रहेंगे? और क्या उतनी एनर्जी कम रहेगी? दैट इज व्हाई एवरी सरफेस tries to acquire a minimum surface area and it starts acting as a stretched membrane. It starts acting as a जो अपने मिनिमम उसमें रहना चाहिए, इलास्टिक के टाइप। क्या इलास्टिसिटी टाइप कोई चीज आ गई? अरे आई कि नहीं आई यार? अरे आई कि नहीं आई? तो जितने मिनिमम में रहना चाहिए उतने में रहना चाहती है। पहले था जो मैं बोला चमका,
मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो आपको अपने शब्दों में क्या क्या लिखना है फिर से समझे। वो पार्टिकल जो पूरे अंदर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है कि सरफेस की, सरफेस वाले पार्टिकल्स की। इसलिए कि अपनी बाहर बॉडी के जो अपना लिक्विड सरफेस है क्या वो अपनी सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहती है? अरे यार हाँ ना बोल, रखना चाहती है। इसलिए हमारी बूंदें गोल होती हैं, अगर हम पानी को फैलाएं और उसे फैलाएं तो स्ट्रेच कर मतलब छोटा होना चाहता है ये, और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या जो मैं बोला चमका राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट। मैंने लिखा रखा खुद लिख, जो लिखाना था मैंने बोल दिया मन से। कई लोग तो बहुत परेशान है इस बात से। नाउ लिसन टू, लिख लिया हमने शब्दों में और इसी की वजह से अपन फिनोमेना पढ़ते हैं सरफेस टेंशन। क्या पढ़ते हैं? अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी सरफेस टेंशन की, अभी तो समझाया कि इस फिनोमेना बेसिकली मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहते हैं हम। क्या रखना चाहते हैं? एवरी लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, एवरी लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड हेयर कम्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। अब बताओ हर लिक्विड की मिनिमम सरफेस एरिया करने की टेंडेंसी सेम होगी कि अलग अलग? देख सोच तू, मरकरी देख, मरकरी देखा है? मरकरी का बूंद टपकाओ उसकी ज्यादा होती है कि कम? ज्यादा कम। उसकी बूंद टपकाओगे उसे पिचकाओगे तो भी नहीं पिची खुपा, उसमें सरफेस टेंशन बहुत हर की अलग अलग। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने देखा तो मच्छर बैठ जाता पानी पे? नहीं बैठता ना। कौन वेट, कौन मैनेज करता है मच्छर के वेट को? सरफेस टेंशन कौन करता है? रिलेटिव सरफेस टेंशन की उसे तीन टांगे मान लो, छह होती है। अब तो ठीक है तीन टूट गई यार क्या छह नहीं होती यार, चार होती है भाई। मॉस्किटो के दो डंक होते हैं, वो टांगे नहीं होती जो अंदर घुसाता है वो। छह टांगों वाला साला पता नहीं कौन सा मच्छर आ गया। एडी अब किस पर डिस्कशन हो रहा है कि हाउ मेनी लेग्स मॉस्किटो है? कॉकरोच के आठ दिल होते हैं पता है तुमको? हाँ कॉकरोच के कितने दिल होते हैं? आठ। हाँ हाँ मैंने इतनी बायो पढ़ी थी। यस तुम्हारे तो एक भी नहीं है। यस कई लोगों को तो आज ही एक बात समझ आई है, उन्हें लग रहा है अच्छा बायो पढ़ रहे हैं आज ये। यस क्या ठीक। तो मच्छर जो होता है कौन होता है? मच्छर। वो बैठ किसकी वजह से पता है सोचो? जहां बैठता थोड़ी सी ऐसे समझो आप सर्विस दब जाती है और उसकी वजह से उस पर फोर्सेस ऊपर लगते हैं। कैसे लगते हैं वो भी मैं थोड़ा सा भी आपको समझाऊंगा। रियलिटी में ऐसा होता है, आपने कहीं देखा तो कहीं गंदा पानी जमा हो जाता है तो वहां पे सरकार आती है। सरकार मतलब जो भी यूआईटी या जो भी जेडीए या जो भी वहां का टेक केयर है वो आता है और उस पर केरोसिन डाल देता है। कभी देखा हो तो एक पानी का छिड़काव, पानी नहीं होता वो बेसिकली एक लिक्विड होता है ऑयल, केरोसिन होता है जनरली वो छिड़काव करता है क्योंकि जहां गंदा पानी हो मच्छर बैठेंगे, मच्छर बैठेंगे तो उनके बच्चे होंगे। अरे यार हाँ ना वो बच्चे होंगे तो फिर तकलीफ पड़ेगी हाँ कि ना यार। तो वो चाहते कि ऐसा ना हो तो वो केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन का सरफेस टेंशन कम होता है पानी से तो उस पर मच्छर बैठे डूबने लगते हैं, जबकि पानी में वो इसलिए गंदे पानी पे क्या डालते हैं? केरोसिन। ये सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको सरफेस टेंशन का। अरे यार बहुत नॉर्मल लाइफ में जो कभी देखा ही नहीं सर कौन सा, हमारा तो गांव ही पूरा एयर कंडीशन है, गंदगी कहां पे सर? क्यों भाई? या तो तुम ऐसे गांव में रहते हो, ऐसे गांव में रहते जो कौन सी सरकार, कौन सा जेडीए, कौन सी यूआईटी, गंदा हो गया तो हो गया, अब गंदा ही रहेगा। क्या कहते हो यार? वो तुम दूसरे वाले से क्या कहते? जो मैं बोला चमका, ये सिंपल एग्जाम्पल है सर्फेस टेंशन। सर्फेस टेंशन की डेफिनेशन कैसे लाई गई उसे समझे समझनी पड़ेगी। डेफिनेशन है मैंने नहीं बनाई, सर्फेस टेंशन की डेफिनेशन, इसकी दो डेफिनेशन है। पहली सुने डेफिनेशन क्या है सुन। मान लो कि ये सरफेस है, कोई भी लिक्विड सरफेस है, ऐसे लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस की बात कर रहा हूं। इस लिक्विड सरफेस पे अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी लाइन ले लूं, थोड़ी डेफिनेशन अजीब सी पर ऐसे ही होती है, उसे दो डेफिनेशन है। इस पर अगर मैं एक लाइन ले लूं इमेजिनरी, इमेजिनरी एक लाइन ले लूं तो ऐसा समझो इस लाइन पर ये लाइन जो इमेजिन लाइन ली ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? द रिस्पॉन्स है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। तो इसमें दोनों तरफ लगने वाला फोर्स सेम होना चाहिए कि अलग? सेम के अलग? सेम। तो जो इधर वाली सरफेस
इधर वाली सरफेस इस पे इधर फोर्स लगाती है F, और जो इधर वाली सरफेस इस पे फोर्स लगाती है F, ये F, और मान लो कि इसकी कुल मिला के लेंथ है L, कितनी है L, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, अच्छे है सुनना जो मैं कह रहा हूं। सरफेस टेंशन इज व्हाट? फोर्स। किस पे फोर्स? सपोज वी हैव टेकन अ इमेजिनरी लाइन, सपोज वी हैव टेकन अ डल रिस्पॉन्स, सपोज वी हैव टेकन अ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, क्या देयर इज अ फोर्स ऑन टू इट ऑन बोथ द साइड्स? बिकॉज दिस इज इमेजिनरी लाइन, बिकॉज दिस इज डल रिस्पॉन्स। अरे यार हाँ ना बोल, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी लाइन, तो अगर दोनों तरफ से फोर्स है और वो इक्विलिब्रियम में, तो दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये किसी लिक्विड के लिए ज्यादा होगा और किसी लिक्विड के लिए, इसे जनरली डिफाइन करते हैं टी से। किससे? कंफ्यूज मत हो रहा, टी से, टी वाला टेंशन वाला ही टी है, पर ये सरफेस टेंशन है। कौन सा है? और इसे डिफाइन करा गया फोर्स पर यूनिट, डरो मत, ऐसे ही डेफिनेशन है उसकी, थोड़ी थोड़ी देर समझ में आएगा ऐसा क्यों डिफाइन करा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन इसलिए ऐसी आई है कि जब सर्फेसिस जनरेट होती है, जैसे आप समझो कि मैं अपने हाथ पे पानी डाल लू थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं उसमें क्या है, अब क्या है, अब मान लो ये जो पानी है, खैर इससे तो मुझे दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? जो पानी है, अब ये जो पानी है ये जिस जगह मेरे हाथ से टच हो रहा है वहां पे एक सरफेस की लाइन बनी हुई है। अरे यार, यार नहीं आया, नहीं आया, तो वो मेरे पे फोर्स लगा रही कितना? टी इंटू एल। ध्यान सुनना, मान लो कि आपने ऐसे पानी गिराया, तो उसकी ऐसे लेयर बन गई, बोलो क्लियर? ये है ना, सोचो ये पानी की लेयर सरफेस पर है, तो ये जो सरफेस पर फोर्स देख, ये एक लेयर है, क्या ये सरफेस जो पानी की सरफेस है वो क्या नीचे वाली सरफेस पे फोर्स लगा रही है? यार हाँ ना बोल, तू सोच के देख। तो एक जैसे मान लो ऐसे, समझो ऐसे लेयर बनी, थोड़ी सी फील करना अच्छे से, कहां गया ये रहा, देख ध्यान से, मान लो थोड़ा सा और अच्छे से समझाने को, तो मान लो ऐसे लेयर बनी, देख ध्यान से ऐसे, मैं तेरे को और अच्छे से एग्जांपल बता दो कैसे तेरे को समझ में आएगी। ऐसे समझ कि तूने वो बुलबुले देखे पानी के, उड़ाए होंगे वो, उसको अपन एक फ्रेम होता है उसको पानी में डुबकी लगाते हैं। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, तेरे वहां समझ में आएगा, देखना ध्यान से। ऐसे आप वायर फ्रेम लो, बोलो क्लियर? ऐसे वायर फ्रेम में पतला सा वायर फ्रेम, उसको सोप सॉल्यूशन में डुब कर दो। अरे हाँ ना बोल यार, फिर उसे निकाल लो, तो क्या यहाँ पे लेयर बन जाती है? सोचिए लेयर इस पे फोर्स लगा रही, नहीं लगा रही इस वायर पे, लगा रही कि नहीं लगा रही, कितना फोर्स लगा रही? सरफेस टेंशन इनटू एल। अरे यार, और इसी की वजह से खिंचाव की वजह से सिकुड़ती है, इसी खिंचाव की वजह से वो सिकुड़ती है। अब हो सकता है कि यहां फ्रिक्शन ज्यादा हो तो उसे समेटने ना दे, वायर रोक ले, पर एक लिमिट तक तो वो लगता है। पर अता जो मैं बोला चमका? मुझे नहीं चमका। असलियत में सरफेस टेंशन इज डिफरेंट। सरफेस टेंशन किस काम में आता है? मुझे अगर उस लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है और उसकी सरफेस की जगह पता है, तो उस सरफेस की वजह से उस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है मैं बता सकता हूं। बाय सरफेस टेंशन इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डल रिस्पॉन्स। सरफेस टेंशन इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? तो व्हाट यू विल गेट? फोर्स। व्हाट यू विल गेट? बेसिक पर्पज ये होगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए फोर्स चाहिए होगा। हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होगा? डल रिस्पॉन्स। क्या चाहिए होगा? हमें कैलकुलेशन के लिए फोर्स चाहिए होगा। अगर हमें फोर्स चाहिए होगा, अगर हमें फोर्स चाहिए होगा, तो हमें बेसिकली किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ किस चीज की? जो सरफेस लेंथ उस पर बन रही है। देखो ध्यान से, ये सरफेस है इस वायर पर, ध्यान से सोचो, तो ये सरफेस, सरफेस एक चीज मानो जो फोर्स लगा सकती है, क्या सरफेस का इतनी ही लेंथ इससे टच हो रही है? रेस्पॉन्स है कि नहीं? अगर टच हो रही है तो इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज टी इनटू एल। अभी इस पर और चर्चा करूंगा मैं, कंफ्यूज मत होना,
पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर और चर्चा करूंगा अभी मैं। पहले इस बात को समझो कि हाउ सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, और उसकी दो डेफिनेशन है, पहली है, और दोनों डेफिनेशन से काम की बात आती है, एक से फोर्स आएगा और एक से एनर्जी आएगी, इसलिए ऐसा डिफाइन करा गया उसको, अभी फील आ जाएगी ऐसे क्यों डिफाइन करा उसको। हाउ सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, सपोज वी टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस, अरे यार हाँ ना बोल, देन द फोर्स ऑन द लाइन ऑन बोथ द साइड्स जो है उसको डिफाइन करा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या ये हर लिक्विड के लिए सेम होगा कि अलग अलग? सोच, अगर तुझे किसी लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन पता है तो तू उसको किससे मल्टीप्लाई करके फोर्स ले आएगा? लेंथ से, जितनी सरफेस बनी, जितनी सरफेस। अच्छा ये तो बड़ा तो बढ़िया फोर्स लिया, पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बोलो? अब इससे सोच, पहले था तेरे को फोर्स लाना है, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अरे भाई हाँ ना बोल, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द लाइन। देख अपन ने बार बार वही करा, परपेंडिकुलर टू द, डिफाइन ही वैसे करा भाई, लाइन का मतलब सरफेस, जो लाइन आप ले रहे हो। अच्छा किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस की अलोंग द सरफेस? जाहिर सी बात है सरफेस फिनोमेना है तो क्या सरफेस के अलोंग ही लगेगा? अगर मुझे किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है तो मैं उससे बनने वाली सरफेस की वजह से फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सरफेस टेंशन को किससे? लेंथ से, और उसकी डायरेक्शन क्या अलोंग द सरफेस होगी? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन होगी। एंड यार नहीं आया, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन नहीं आया, एकदम पक्का? अरे सोच लो। तो बेसिकली सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो पर यही है जो मैंने आपको लिखी, दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। एंड हाउ इट इज यूज, इट इज यूज टू कैलकुलेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द सर्फेस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो क्या डेफिनेशन है सर्फेस टेंशन की? टेक अ इमेज, डेफिनेशन से दी जाती है, टेक अ लाइन ऑन द लिक्विड सर्फेस, अरे यार हाँ ना बोल, नाउ द फोर्स ऑन द लाइन ऑन बोथ साइड पर यूनिट लेंथ, नेट फोर्स या एक तरफ का? एक तरफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सर्फेस टेंशन। सर्फेस टेंशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड, सर्फेस टेंशन इज डिफरेंट फॉर किसी का ज्यादा और किसी का मैक्सिमम। टाइम इफ यू नो द सर्फेस टेंशन इट इज यूज टू कैलकुलेट वॉट? फोर्स। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द सर्फेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता पड़ गया टी इन टू एल, और क्या डायरेक्शन अलॉन्ग द सर्फेस है और क्या परपेंडिकुलर है? यार नहीं आया, तो हमें पूरी वेक्टर क्वांटिटी का पता पड़ा, कोई बुराई वाली बात। आप सर्फेस टेंशन की यूनिट आपको दिखाई दे सकती है, क्या यूनिट होगी सर्फेस टेंशन की? न्यूटन पर मीटर। अरे क्या होगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस? अरे भैया हाँ ना बोल, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। लिख डेफिनेशन ऑफ ये, और ये जो मैंने बनाया इसे लिख, और लिखा रहा हूं जो लिख, फिर इस पे आता हूं, अभी टेंशन ना ले बिल्कुल। देखो लिखो, बना लिया क्या? डेफिनेशन लिखो, लिखो टेक अ इमेजिनरी लाइन, टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड on the surface of a liquid then the force on this line per unit length, the force on this line per unit length is defined as surface tension of the liquid, is defined as surface tension of the liquid, is defined as surface tension of the liquid. पूर्ण विराम, पैरा चेंज। अगर हमें सरफेस की बाउंड्री पर फोर्स निकालना हो, अगर हमें सरफेस की बाउंड्री पर फोर्स निकालना हो तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें,
तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इज अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन बोलो क्लियर। अरे भाई हाँ ना बोल यार, ध्यान से देख तो मैं तेरे को थोड़ा सा समझा देता हूं। लाइक बैलेंसिंग ऑफ अ निडल, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है पर समझ ले, जैसे वो निडल की बात बता रहा था ना मैं, ये निडल वैसे इतनी पतली होती है ऐसे हुई आई मान लो ऐसे लेंथ की है, ऐसे पानी की सरफेस पे टिकी हुई है, पानी की सरफेस पे टिकी हुई है, जूम कर लेते हैं इसे, ये निडल है समझो, ऐसे सरफेस, ऐसे निडल। अरे समझ में आया, निडल समझते हो? सुई सुई अब आया। अरे भाई हाँ ना तो बोल, पढ़ना नहीं है क्या आज है? नहीं नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, 20 की जगह 25 तक इधर सर। अरे वैसे ही फ्री हो गए तुम तो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अब इधर सुन, निडल एल ये, अब अगर हमें बहुत ध्यान देखें, इसे जूम करते हैं, क्या करते हैं जूम 30x, कितना तो देख ऐसा दिखेगा ये निडल ऐसे, और ये सरफेस रियलिटी में ऐसे हो गई ये। एस कंफ्यूज मत हो सन्नाटो, ऐसे हो जाती है ये बोलो चमका, मैं अकेला ही सीख रहा हूं। अरे हाँ ना तो बोल। मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये ऐसे थीटा एंगल है और ये भी ऐसे थीटा एंगल। अब आप समझो कि मान लो इसका वेट mg है, कितना है mg. किसका वेट mg. क्या चीज है, स्फीयर की निडल mg. निडल। सो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स वो कैसे लगेगा पहले बताओ, तेरे को फील करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि ये अगर निडल है ना, ये ऐसे निडल है तो देख ऐसे यहां सरफेस जनरेट हुई, वो एक लाइन बन गई पूरी, कितने लेंथ की, और वो ऐसे टेढ़ी बनी थोड़ी सी। अरे यार वो टेढ़ी क्यों होगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट बनेगी तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बैलेंसिंग कुछ भी नहीं। जब ये आपका निडल उस पर रखेंगे थोड़ा सा क्या पानी को दबाएगी, थोड़ा सा पानी को तो शेप को ऐसा कर देगी जैसे मैंने करा। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, जिसको अपन बाद में और एंगल को बाद में समझेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम से, किसके नाम से, अभी सिर्फ समझो ऐसा होगा मान लो। अब अगर ऐसा हो तो सोचो कि ऐसे कि जो लाइन बनी, ये जो बनी। सोचो ये जो फोर्स लगेगा क्या टी इंटू एल, एल क्यू किसकी लेंथ, तो फोर्स तो टी इंटू एल होता है yes, और कैसे लगता है अलोंग द सरफेस, कैसे लगता है, कैसे लगता है, तो सोच जो सरफेस है उसने इस रिडल पे फोर्सेस ऐसे लगाए, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, अब बोलो बैलेंसिंग कैसे होगी, 2TL साइन थीटा इक्वल्स टू, अब वो वेट वेट दिया हो, लेंथ दिया हो तो बैलेंसिंग करना कोई खास बात नहीं, टेंशन भी दे सकते हैं, लेंथ भी दे सकते हैं, वो एक ज्योमेट्री वाली बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा। फिर तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे भैया हाँ ना बोल, पूरा चैप्टर केमिस्ट्री जैसा होगा, याद करना होगा ढंग से एकदम, और बढ़िया आराम से धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, यही रखते जाओ समझते जाओ, जितना मैं बोलूं सवाल कर लेना, मतलब शीट कर लेना, खत्म। 2TL कितना
2TL इक्वल्स टू, अब कुछ भी पूछ सकता है उसमें, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कैसे निडल बैलेंस होती है बोलो चमका? तू ध्यान सोचेगा तो मक्खी भी ऐसे, मक्खी मतलब मच्छर, मतलब अलग अलग है दोनों। अरे यार हाँ ना बोल, वो भी ऐसे बैलेंस होगी। उसकी कितनी टांगे होती है? चार। दो क्या होते हैं? क्या कह रहा है? डंग एक होता है क्या? दो भी होते हैं, मैं तो दो वाले। ओके, टूडीएल साइन थीटा इक्वल टू एम जी, टूडीएल साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ऐसे बैलेंसिंग ऑफ निडल होती है। इस तरह ये सवाल आते हैं, कुछ आगे आएंगे आपको क्लैरिटी आएगी। सुने, और सुन, सिंपल सा एग्जांपल। ये सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सुने, दो चीजें डिफाइन कर लेते हैं इससे। क्या सरफेस टेंशन बताओ, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? डल रिस्पॉन्स। क्या फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द सरफेस होती है? क्या फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है? और क्या सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है? एक और चीज हम इससे निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन से, उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? जो पार्टिकल्स सरफेस पर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है कि कम? अरे बस कितनी ज्यादा? मान लो पहले सरफेस एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, अब मैंने कर दिया 4 मीटर स्क्वायर, बोलो एनर्जी बड़ी की घटी? बड़ी की घटी। अरे कितनी? वो अपन निकालेंगे। देख कैसे, समझ क्या प्रोसेस अपनाते तो तेरे को फील आएगी। समझ जा धीरे धीरे आराम से, ध्यान से देख। मान लो कि मैं एक वायर फ्रेम लू, जैसा भी मैंने बताया था, वायर फ्रेम बिल्कुल पतला सा वायर फ्रेम, ठीक। ये मूवेबल है। कौन मूवेबल है? सिर्फ ये वाला, ये मूव कर सकते हैं स्लाइडर की तरह। पतला सा वायर फ्रेम, ठिचक ठिचक ठिचक। डिप इन सोप सॉल्यूशन है, जिसमें भी आप बोलो डिप इन सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन ले लो, समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप ऐसे जानते हो। जैसे आप डिप करोगे, जैसे ही आप, क्या एक लेयर बन जाती है? अरे तो सबने करा है वो, अपन जो मेले से आते उसमें पहले लेयर बनती है ना? अरे बनती है कि नहीं बनती यार? बहुत भारी है भाई। अब देख क्या हुआ, डिप इन सोप सॉल्यूशन। अब डिप कर लोगे तो ऐसा बन गया, देख डिप करके बाहर निकाला ये, और ये आपकी सरफेस। बोलो क्लियर? अब हम क्या करें, हम एक्सटर्नल एजेंट, हम कोई फ्रिक्शन नहीं मान रहे, हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहां पे एफ, एफ एक्सटर्नल, इसको पकड़े रखने के लिए, क्योंकि पकड़े नहीं रहोगे तो अंदर घुस जाए। इस वायर पे कितना फोर्स लगा रही है सरफेस? कितना लगा रही है? कितना? कितना? 2TL। एक लेयर बनी, दो, समझना अच्छे से। होता है सब कुछ पतला पतला है, पर होता तो मान लो ये लेयर है, तो ये जो वायर है इसकी एक लेयर ऊपर है और एक लेयर है, तो ये पानी की सरफेस। कंफ्यूज मत हो, समझना पड़ेगा ये आपको अच्छे से। कितनी लेयर बनी? देख, एक ऊपर एक नीचे, तो वायर पे टी टू एल एक बार आया, दो बार? एक सरफेस कहां है? एक कहां है? नहीं आया भाई। एक सरफेस कहां है? एक सरफेस कहां है? एक सरफेस जनरेट हुई कि दो? बोल इसमें कितना एरिया है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ एल है, और मान लो कि ये टोटल एरिया ए है, तो सरफेस जो जितनी जितनी जगह में सरफेस है वो एरिया ए है कि टू ए है? टू ए है। और आपको समझना पड़ेगा, हालांकि वो टू टू कट जाएगा बात करके, भाई समझना तो पड़ेगा। असलियत में पीछे की तरफ फोर्स टीएल लग रहा है कि टू टीएल? ये अपने शब्दों में लिखना कि क्यों टू टीएल लिखा मैंने, क्योंकि कितनी सरफेस जनरेट हुई? टू सरफेसेस हैं, अपर एंड लोअर, अपर एंड, आवाज नहीं, अपर एंड, अपर एंड लोअर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। नहीं आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात? तो 2TL अगर मुझे इसे पकड़े रखना है, तो क्या मेरे को एफेक्शनल एजेंट को इतना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा? डल रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करूं, इसको धीरे धीरे खींचू, बहुत स्लोली, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल,
तो क्या एफ एक्सटर्नल इज ऑलवेज टू टीएल? एफ एक्सटर्नल इज ऑलवेज यार तुम्हें नहीं आया, ठीक भाई, इसको डिस्प्लेस करते हैं वायर को, इसको वायर को क्या करते हैं डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करते 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 यहां तक ले आए एफ एक्सटर्नल, अरे यार हाँ राहुल, जो कि किसके बराबर है टू टीएल, क्योंकि वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी बहुत धीरे धीरे ऐसा समझे आप, अगर मैंने बहुत स्लो प्रोसेस बनाया तो ऐसा करा मैंने, ध्यान समझना, समझ में आ जाएगी दूसरी डेफिनेशन टू डीएल। अब बता क्या एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? मान लो कि आपने एक्स हिला दिया, कितना एक्स, कितनी एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हुई? एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड, सब लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड, बोलो, अरे बोलो, कितना, अरे कितना, 2lx, कितना lx की 2lx, 2lx क्यों? एक ऊपर की लेयर और एक, अच्छा इतनी लेयर तो पहले ही थी, इतनी लेयर तो इतनी और जनरेट हो गई। अगर सरफेस बढ़ गई तो एनर्जी आई की गई, कहां से आई, कहां से आई? कि एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क डन करा या नहीं आया? अरे नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट गया कहां? उसने किसी की काइनेटिक एनर्जी तो गया कहां? क्या दैट विल गो इनटू द सरफेस एनर्जी? दैट विल गो इनटू द एक्स्ट्रा, दैट विल गो इनटू द सरफेस एनर्जी ऑफ द एक्स्ट्रा एरिया? यार नहीं आया यार, अरे नहीं आया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड। नहीं आया, मैं और धीरे पढ़ाऊं तो बोलना यार, फिर पहले बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, जो मैंने कार्य करा वो गया था, मतलब जो मैंने कार्य करा वो जो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हुई ना 2lx, कितनी 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 2lx, नहीं आया। अच्छा मैंने कार्य कितना करा, चलो सब लोग बताओ, मैंने कार्य कितना करा, सब लोग बोलेंगे मैंने कितना कार्य करा, 2TL इज द फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने कितना कार्य करा, क्या दिस इज द एनर्जी इन दिस एक्स्ट्रा पोर्शन, इन दिस एक्स्ट्रा पोर्शन। एक चीज डिफाइन की जिसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी, क्या बोलते हैं, जो एनर्जी आती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी, एक चीज डिफाइन करते हैं सरफेस एनर्जी। चलो बोलो इस सरफेस में कितनी एनर्जी, ये अरे यही तो सरफेस एनर्जी है भाई, यही तो सरफेस एनर्जी है, और एरिया कितना है, कितना है 2lx, कितना, और कितनी एनर्जी है 2TLx, देखिए क्या हुआ 2TLx बाई बाई 2lx टी, हो मजा आ गया। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज व्हाट, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सोच अगर तेरे को एनर्जी चाहिए तो सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, किससे, और तुझे फोर्स चाहिए तो उसे, दैट इज व्हाई इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस। एनर्जी चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर, एरिया से, किससे, और फोर्स चाहिए तो खत्म। अगर मुझे लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है तो मैं उसकी दो चीजें डिफाइन कर सकता हूं, तो मैं उसकी क्या रवानी, तो मैं उसकी दो चीजें डिफाइन कर सकता हूं, एक सरफेस, एक तो फोर्स और एक सरफेस एनर्जी। बोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन। सरफेस टेंशन इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ के अलावा अपन उसे क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या बात चमकी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, उतार ले, बस ऐसे सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये,
मतलब पानी अगर कि जो झल्ली बनती है वो झल्ली एक तरफ से होती है दोनों तरफ से, तो सरफेस एक हुई कि दो? सरफेस एनर्जी सर, पहली बार फिर से बात करते हैं, क्या सरफेस टेंशन बता दो, दो चीज निकाल सकते हैं? फोर्स, फोर्स को निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? पर वो तो वेक्टर होता है, क्या उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ इस फोर्स इज अलोंग द सरफेस एंड क्या परपेंडिकुलर टू द लाइन? और सरफेस एनर्जी तो वेक्टर नहीं है, तो सरफेस एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है? सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू, पक्की बात? अब जैसे सोचो एक सवाल, क्या मैं बताता हूं आपको, बोला जाए कि आपके पास एक ड्रॉप है, क्या है? एक ड्रॉप ऐसे जिसका रेडियस आर है और जिस लिक्विड की ये बनी हुई है उसका सरफेस टेंशन टी है, सरफेस टेंशन क्या है? टी न्यूटन प्रति मीटर को डेटा वेटा नहीं ले रहा, ऐसे समझ रहा हूं, डेटा वेटा आप करते रहना आर, मैं इसको तोड़ के खुपत 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 तोड़ू एन ड्रॉप्स में, कितने में? फाइंड आउट द बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू टू ब्रेक इट इनटू एन ड्रॉप्स, फाइंड आउट द बर्डन, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रेक इट टू एंड ड्रॉप्स, टू ब्रेक इट टू एंड ड्रॉप्स, पहले तो ये वर्क डन आएगा कहां से? क्या पहले एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी अलग है? Yes, क्या एन में तोड़ देंगे तो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, सोचो। अब फाइनल सरफेस एरिया निकालो, उसे टी से मल्टीप्लाई करो और इनिशियल सरफेस एरिया को टी से मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस है वही वर्क डन है। अब एन ड्रॉप्स अगर तोड़ रहे हैं तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? अब करो, कर सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, करो भाई, कर सकते हो आप, जो इनिशियल सरफेस एनर्जी और फाइनल सरफेस एनर्जी का डिफरेंस है वही वर्क डन है। तू चाहेगा तो हीट भी मिला दूंगा इसमें, देख कैसे। तुम लोग कर सकते हो इस सवाल को, चलो इधर पहले था, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है? क्या टी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर? क्या इसे एंड ड्रॉप्स में तोड़ लिया गया? क्या एंड ड्रॉप्स का रेडियस आर है? कितनी? क्या आर, ये आर कैसे निकालेंगे छोटा? कितना? क्या वॉल्यूम इक्वेट करके? क्या इनिशियल वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम एन इंटू 4 बाय 3 पाई छोटा आर क्यूब? ऐसी ऐसी बात हम कई बार कर चुके हैं, 4 बाय 3 पाई ने 4 बाय 3 पाई को छोटे आर की वैल्यू आई, आर बाई एन की पावर 1/3, मुझे लगा ही तुम्हें आया, अरे नहीं आया। अब सोचो अगर जो फाइनल सरफेस एनर्जी होगी वो क्या फाइनल सरफेस एनर्जी होगी? सरफेस टेंशन इंटू टोटल एरिया ऑफ वन ड्रॉप इंटू एन, तो लिखा जाएगा एन इंटू एरिया ऑफ वन ड्रॉप यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई अरे भाई एन से क्यों मल्टीप्लाई करा? और टी से? सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं एरिया को, तो क्या सरफेस एनर्जी आ जाती है? तो E इनिशियल, E फाइनल, N इंटू 4 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर और N की पावर 2/3, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो N की पावर 2/3 क्या N की पावर 1/3 हो गया, तो T इंटू N की पावर 1/3 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अगर N का अपन ध्यान से देखें तो N की पावर 1/3, ध्यान देखें कोई दिक्कत नहीं है, वर्डन जो अपना आया, वर्डन आया N की पावर 1/3 -1 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो चेंज इन सरफेस एनर्जी हुआ क्या वो ही बेसिकली बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है? अरे भाई नहीं आया, डल रेस्पॉन्स, अरे नहीं आया, पता है मैं इसको उल्टा बहुत अच्छा पूछ सकता था, सुनना क्या, एंड ड्रॉप्स कॉलीज, कॉलीज मतलब मिली एंड फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, क्या इसका उल्टा प्रोसेस हुआ? एनर्जी बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी, कहां गई? ऐसा माना जाता है कि उसने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसका टेम्परेचर? ड्रॉप का। अब सोच स्पेसिफिक हीट दी हो तो क्या दिस शुड बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी? यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया,
पता है सवाल कैसा था? बहुत बहुत बढ़िया, हीट से मिलके सोचना सिर्फ कि इफ एन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर कॉलेज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड चेंज इन टेम्परेचर. क्या ये एनर्जी बढ़ती? डल रेस्पॉन्स. ये एनर्जी जो घटती सरफेस से वो जाती कहां? क्या उसको गर्म करती? किसको गर्म करती? ड्रॉप को. और मान लो उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है एस, तो क्या लिखते हैं? एमएस डेल्टा टी. क्या लिखते? क्या लिखते? तो डेल्टा टी आ जाता. गुड क्वेश्चन. अरे आया ही नहीं तुम्हें. अरे आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल आ सकते हैं. करा दूं इसमें क्या कराऊं? इसको एमएस डेल्टा टी के बराबर करना बावड़े में क्या? घगड़ाया बिल्कुल. 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी. आंसर. अब डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम नहीं. कई लोग परेशान, ये एमिश डेल्टा टी क्या होता है? एमिश डेल्टा टी क्या है? क्या एस इज द स्पेसिफिक हीट? नहीं आया. एम क्या है? ये एम को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? एस क्या है? डेल्टा टी क्या है? ये अगर मैं एन ड्रॉप्स मिलके बड़ी एक ड्रॉप बना रही है तो सरफेस एनर्जी घट रही है बढ़ रही है? घट रही है बढ़ रही है? ये एनर्जी जो घटी वो गई कहां? हीट में. उसी ने टेम्परेचर बढ़ाया, उसी ने तो टेम्परेचर, ऐसा बोला जाता है. अरे भैया हां ना बोल तो बड़ा सवाल बन गया. लो अरे तुम्हें कुछ गुस्सा है? अरे हाँ ना तो बोल दो. नहीं आया. अरे नहीं आया. लो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू एस डेल्टा टी. अगर उल्टा सवाल पूछते तो चाहो तो लिख लो, जो मरना चाह रहे हैं लिखो. लिखाऊं कि समझ आ गया? पक्की बात? सोच लो. इस तरह के सवाल आते हैं इसमें, और भी आते हैं. अभी कैसे वो आएंगे? एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, ये एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप. हेडिंग डाले एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप. एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप. क्या है ये एक्सेस प्रेशर? ध्यान से सुने. एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप थोड़ा समझना पड़ेगा. सुन, मान लो एक पानी की बूंद है या कोई भी ऑयल की एक ड्रॉप है. इधर देख, या तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो बोलो तेज पढ़ाता हूं थोड़ा सा. तेज पढ़ा दू? अब एक ड्रॉप है. अगर इस ड्रॉप पर बहुत ध्यान है, इधर देख. अब ड्रॉप है, इसमें एक्सेस प्रेशर है. मतलब एक्सेस प्रेशर क्या पहले समझो. इस ड्रॉप के अंदर एक प्रेशर है पी इन साइड और एक प्रेशर है पी आउटसाइड. वो पी आउटसाइड क्या जनरली पी नॉट होता है? क्या होता है ये पी इन और पी आउटसाइड के बीच में डिफरेंस है. पी इन और पी बीच का जो डिफरेंस है इसे डेल्टा पी कहते हैं. एक्सेस प्रेशर क्या चीज? ड्रॉप और बबल में क्या अंतर है पहले समझो. मैं ड्रॉप पढ़ा रहा हूं कि बबल? ड्रॉप. ड्रॉप का मतलब पूरी बूंद, और बबल का मतलब वो जो आप उड़ाते हो. उसमें अंदर एयर होती है बाहर? दोनों तरफ एयर होती है. वो जो बबल बनाते हैं उसमें अंदर एयर होती है बाहर की दोनों? और जो पानी की बूंद टपकती नल से उसमें बाहर एयर होती है और अंदर? अंतर. उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप. और उसे क्या बोलते हैं? बबल. क्या बोलते हैं? बबल. अभी अपन एक्सेस प्रेशर में पढ़ रहे हैं. मान लो इसके अंदर ईपी है, ये सरफेस टेंशन की वजह से जनरेट होता है. क्यों? अभी तेरा लॉजिक समझ में आएगा, उसको समझना पड़ेगा. तू समझिए, जो तेरी ड्रॉप बनी हुई है मस्त शानदार एकदम, वो गोल किसकी वजह से होती है ये भी मैं तुझे समझा चुका हूं. किसकी वजह से होती? क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है. अब कैसे? सुनना, उसे प्रेशर लगाया होगा, कुछ तो करा होगा, तभी तो उसने ऐसी शेप ली. अब क्या हुआ? सोच, ऐसे समझो कि इसको काट लो बीच में से. ऐसे समझो, समझो इसको बीच में से काट लो. अगर काट लो तो ड्रॉप ऐसी हो जाएगी. देख ये
बोल होगी कि नहीं होगी, आधी काट दी। अब आप बहुत ध्यान देखो तो इसके ड्रॉप के इधर कितना प्रेशर है, पी नॉट कितना है, पी नॉट। तो ये पी नॉट प्रेशर इस बबल पे, इस ड्रॉप पे कितना फोर्स लगा रहा है, याद कर एक चीज सिखाई थी, फोर्स इज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया, नहीं आया, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। ध्यान सुना, याद कर, मैं रेडिएशन प्रेशर के टाइम भी बताई थी बात। मान लो कि इसका रेडियस आर है, तो सोच ये जो इधर से पी नॉट फोर्स लगा रहा है वो कितना है, अरे कितना, पी नॉट इंटू, पी नॉट इंटू, ये जो पी नॉट, ये जो पी नॉट लग रहा है, ये पी नॉट की वजह से जो इधर इधर फोर्स आया वो आया पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू। और जो अंदर प्रेशर है वो ऐसे लगा रहा है, वो कितना लगाएगा भाई, पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये दोनों बात चमकी नहीं चमकी, पहले था ये जो आपका, आपने पूरे गोले को आधे से काटा और समझे हुए उसको, अब अपन वो बैलेंस देख क्योंकि, तो जो बाहर से प्रेशर इधर लग रहा है वो लग रहा है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू, और जो अंदर प्रेशर है उसकी वजह से पी पी इन इंटू, तो अंतर क्या है, तो बराबर नहीं। अब ध्यान समझ, ये जो पूरा गोला था ये पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस, इसको जब मैं अलग करता हूं ये सरफेस पूरी, ये सरफेस की पूरी एक लाइन है, ये सरफेस की पूरी एक, तो इस वाली सरफेस पर, ये वाली सरफेस पूरी इस लाइन पर एक फोर्स लगाएगी ऐसे, पता नहीं क्या चल रहा है, ये खुद ही समझ रहा है आज, रोज तो अच्छा पढ़ाता आज पता नहीं क्या हो गया, समझ इधर दे, ये सरफेस है पूरी, क्या ये गोले की, उसमें ऐसे मैंने आधा कर लिया ना, तो इन दोनों सरफेस को अलग अलग मान लिया ना, तो ये इमेजिनरी लाइन बन गई ना, तो इस इमेजिनरी लाइन पे इधर वाली सरफेस फोर्स लगाएगी, लगाएगी कितना, लगाएगी टी इंटू लेंथ, पर लेंथ तो ये पूरी है, कितनी कितनी, पर क्या लगा मुझे सरफेस लगता, इसलिए कैसे लगाया है, पर क्या परपेंडिकुलर लाइन लगता है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तैयार यार, यार तैयार यार, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोले हम साला पागल हो रहे, चिल्ला चिल्ला के तू आराम से देख के आती है, वाह सारे सब बेगो अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं। आप सोच, ये फोर्स टी इंटू टू पाई आर, टी इंटू किधर लग रहा है, इधर टी इंटू टू, आप फोर्स बैलेंसिंग करो भाई, अब लेफ्ट वाला और राइट वाला, टी इंटू टू पाई आर प्लस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या टी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू पी इन माइनस पी नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को, आर ने आर को, क्या ये एक्सेस प्रेशर है, पी एक्सेस इक्वल टू टू टी बाई आर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस टेंशन। भाई साहब आया ही नहीं, आया कि नहीं आया, एक्सेस प्रेशर जो ड्रॉप में अंदर होता है वो कितना होता है, टू टी बाई आर इज वॉट, आर इज वॉट, टी इज वॉट, टी इज वॉट, सरफेस टेंशन, और एक्सेस प्रेशर होता है टू टी बाई आर, कितना होता है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये ले, एक प्रदा तुम्हें प्रूफ समझ आया नहीं है, टू टी बाई आर, अब बता ज्यादा प्रेशर अंदर है कि बाहर, अंदर बाहर, ऐसा याद रखना हमेशा ज्यादा प्रेशर कॉनकेव साइड में होता है, किधर, और कॉन्वेक्स साइड में, ऐसा याद रखना, किधर की तरफ ज्यादा होता है,
कॉनकेव साइड में, किधर की तरफ? क्लियर हुआ एकदम? उतार एक्सेस प्रेशर इन ए ड्रॉप, एक ही सरफेस है, गुड क्वेश्चन। एक सरफेस है कि दो? एक सरफेस है, एक ही बार लिखें। जब दो होगी तो दो बार। एक सरफेस है कि दो? एक। अंदर तो पानी है पूरा, अंदर तो अंदर थोड़ी सरफेस है भाई। अरे यार, इसी डाउट से सवाल जो अगला है आपसे पूछने वाला है, ये एक्सेस प्रेशर किसमें था? किसमें था? अब सोच, एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, उसमें अंदर है कि बाहर है? दोनों तरफ एयर है। सोच क्या अंतर आएगा। लिख एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, और तू खुद सोच टी बाई आर की 4 टी बाई आर। लॉजिकली सोचो पहले अच्छे से। मैं बोल रहा हूं एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, हाँ भाई, सब लोग ढंग से प्रूव करें, दोनों रिजल्ट याद होने जी। एक्सेस प्रेशर इन अ बबल और एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, बोलो। नेक्स्ट लिखे एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, हे राम। हाँ बोलो भाई, बोलो। एक्सेस प्रेशर इन अ बबल आंसर है 40 बाई आर। सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, तुम्हें समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ? एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, बोलो भाई। एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, यहां से अगर आप काट दो तो ये ऐसा दिखेगा। देखो अब बोलो क्या अंतर आ जाएगा पहले की इक्वेशन और इसमें? एक लेयर है कि दो? तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स T × 2πr की T × 4πr, T × 4πr। रियलिटी में फोर्सेस यहां यहां भी लगेंगे, और फोर्सेस अंदर वाली सरफेसेस पे भी लगेंगे ऐसे। आप ही को समझ आ रहा है क्या लिखूं? बोल। लिखा जाएगा P0 × πr² + T × 4πr = P inside × πr². Therefore, excess pressure is equals to 40 by। रात को 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप है, बैठा AIEEE में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला 2T/R 40/R ही कितनी बार पूछ चुके हैं। जे एडवांस हो जाएगा तो वैल्यू दे देंगे, तो फिर पूछ लेंगे कहां क्या हुआ, प्रेशर कैसे हुआ। थोड़ा और अच्छा करते हैं, कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। देख इधर सुन, टू टी बाई आर और 40 बाई आर। भाई साहब सी एटर, सब लोग
बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है क्या पढ़ने के लिए? अरे हाँ ना बोल, सीधा चलो यार। एक पी एक्सेस 40/r और ड्रॉप में कितना? अब देख, जैसे मान लो मैं तेरे को बोलूं कि थोड़ा सा फील करना इस बार, वो देखा तूने एक्वेरियम? एक्वेरियम देखा? उसमें पानी का बुलबुला नीचे निकलता है और ऊपर जाता है, छोटा होता है बड़ा? कॉमन ऑब्जर्वेशन बताओ, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा होता कि छोटा होता? अरे एक्वेरियम देखा है? अरे भाई मछली घर, अरे वो कई लोग अपने घर में मछली नहीं पाल लेते, वो पानी के डब्बे में, उन्हें एक्वेरियम कैम छ भाया कई कैम छ इधर से। अब अगर तुम ऐसे करो मैं हड़ौती में पढ़ाने लगूंगा, मुझे आती नहीं है प्रॉब्लम। यस, तो जो उमुक गोलो हो छे, जो नीचे आओ छे, वो जब ऊपर जाओ छे तो मोटो हो जाओ छे। वो जब ऊपर जाओ छे तो खाई में हो जाओ छे, खाई में हो जाओ छे। खाई में का मतलब क्यों हो रहा है? प्रेशर की वजह से। मेरे मैंने वो पहले वो जो ड्रॉप वो द बबल विच इज जनरेटेड एट द बॉटम व्हेन इट ग्रोज अप, व्हाई इट ग्रोज अप फर्स्ट ऑफ ऑल, वहीं क्यों नहीं रह जाता? वो ऊपर क्यों जाता है? व्हाई इट ग्रोज अप? बायंसी। वो एयर का बबल है, उसमें बायंसी लगेगी तो रू रो वी जी। अरे एयर का बबल ऊपर जाता है ना, क्यों जाता है पहले था? अरे बायंसी जाता है भाई, वेट ऑफ एयर तो बहुत कम है। बायंसी बहुत छोटी छोटी बातें समझते हैं। वो जो एक्वेरियम में ड्रॉप है, वो जो एक्वेरियम का पानी का जो बबल बनता है, वो वैसे ऊपर जाता है तो सिंपली वो ऊपर से जाता है क्योंकि बायंस। पर बड़ा भी होता है क्यों? कौन सा प्रेशर? बहुत सारी बातें इसमें, फ्लूड फ्लूड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अपन समझ लेते हैं एक्वेरियम है या पानी है, यहाँ पे अपना जो है ये लिक्विड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं मिलके, है ना। मान लो यहाँ पे आपका वो ऑक्सीजन का कंटेनर है जहां से एक बबल जनरेट हुआ, जिसका एयर बबल, जिसका रेडियस है आर, इसे क्या बोलते हैं? एयर बबल। बोलो क्लियर? मैं इसमें सर्विस इंजीनियर सब मिला दूंगा, हीट वीट सब। एयर बबल यहां से आ गया, बड़ा हुआ कि छोटा? मान लो जब यहां पहुंचा तो रेडियस बड़ा आर हो गया, थोड़ा टेढ़ा गया। ऊपर क्यों गया? छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए। मूव्स अप व्हाई? मूव्स अप व्हाई? व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है? बायंसी। गुड। बड़ा क्यों हुआ? पूछ रहे कितना बड़ा हुआ भाई? नीचे रेडियस आर था तो ऊपर कितना हुआ? मान लो हाइट एच है, डेंसिटी रो है, बोल। मैं आपसे रियलिटी में एक बात पूछता हूं। मान लो यहां का प्रेशर पी नॉट है, यहां का प्रेशर पक्की बात? अरे यार हाँ ना बोल। ये रेडियस आर दिया, बताओ यहां पे प्रेशर क्या है अंदर? यहां का प्रेशर बताना है जो सरफेस पे आगे बबल। तो मान लो ऐसे सवाल पूछा आपसे, अब बोल कई सारे चैप्टर मिल गए, बढ़िया सवाल मिल क्या करते हैं करता क्या? ऐसा देखा हम रियलिटी में, देखा है कि नहीं देखा? तो उससे बढ़िया सवाल है, पहली बात इस जगह प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो जो अंदर एयर है उसका कितना है? जो अंदर एयर है उसका कितना है? करता यहां पे वॉल्यूम कितनी है? क्या यहां से लेकर यहां तक का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो एयर के लिए क्या लगा सकते हैं? पी वन वी वन बराबर क्या पी इनिशियल V initial equals to P final V final? Yes or no? क्या V initial is simply 4/3 pi R cube and क्या P V final is simply 4/3 pi बड़ा R cube? क्या ये बड़ा R हमें given है या pressure निकालना है जो भी? अरे भाई मान लो हमें बड़ा R निकालना है, क्या निकालना हमें? हमें pressure भी निकालना था, हमें मान लो बड़ा R भी निकालना था, हमें सब कुछ निकालना है। छोटी छोटी बातें मिलके करते हैं। देखो
इनिशियल प्रेशर कितना है बोल? P0 plus 2T by R की 40 by R, क्या चीज? 40 by R 2T by R. अंदर प्रेशर ज्यादा है ना? Yes, अरे पी नॉट प्लस रो जी तो यहां है, बबल में अंदर ज्यादा होता है कि कम? कितना? 40 by 2T by R. ये बबल है, पर ये बबल कहां जा रहा है? पर ये वो वाला बबल अंतर समझ, एक सरफेस बनी है दो, तो फिर 40 by R क्यों बोला? लॉजिक को समझ, गजन हो तेरा मतरट। 40 by R वो जो बबल तूने पढ़ाया मैंने, वो क्या बबल था? अंदर भी एयर और एक लेयर दो लेयर, एक लेयर दो लेयर, एक लेयर दो लेयर, या कितनी लेयर? इसलिए मैं बच्चे को ड्रॉप और ऐसे ड्रॉप और बबल ही किताबों में रटाते हैं, मैं ऐसे रटाता ही नहीं। एक लेयर तो 2T by R, दो लेयर तो खत्म। यार तुम्हें नहीं आया? अब बता, अगर बच्चा बबल रट लेता है 40 by R लिखता है, 40 by R लिखना चाहिए 2T by R, क्या लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए बोलो चमका? हाँ ना बोले यार। तो सोच यहां पे क्या, बहुत छोटी छोटी बातें बताई मैंने आपको, बाइंग सी भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा, जान समझे। पहली बात, यहां का जो इनिशियल प्रेशर होगा वो होगा P0 plus rho gh plus 2T by r। इस जगह पे स्ट्रेस दें, सिंगल लेयर। ये स्ट्रेस देने का क्या मतलब होता है? दबा दो ऐसे। स्ट्रेस स्ट्रेस देने का मतलब है ध्यान दें। क्या दें? कि ये 40 by R नहीं है। क्या लिखा हमने? कितनी, क्योंकि कितनी लेयर? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ड्रॉप और बबल 2T by R, 40 by R मत रटो। सिंगल लेयर तो 2T by R, डबल लेयर तो 40 by R। यार भाई नहीं आया, आया। तो लिख दिया 2T by R। अब खुद बोल फाइनल प्रेशर, P0 plus rho gh तो जीरो हो गया, रो जी एस तो क्या लिखे? P0 plus 2T by R, सिंपल 2T by R, बोलो क्लियर एकदम। तो ये देख, ये आपको वैल्यू पता है, ये आपको पता है, इनिशियल आर पता है, क्या फाइनल आर निकल आए? डल रेस्पॉन्स। अब सोचो एक्वेरियम के बबल की पूरी कहानी हमें पता है, क्यों ऊपर जाता है, बड़ा क्यों होता है? प्रेशर, क्योंकि ऊपर जाते तो प्रेशर घटता है, तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो यहां पे प्रेशर डिफरेंस होगा P0 plus rho gh होगा, कि P0 plus rho gh plus 2T by R की 40 by R, मैंने सरफेस टेंशन में मिला दिया। भाई साहब प्राण प्रखेरू निकल गए। अरे बोलो चमका? हाँ ना बोल, उतार। अब सुन, ये एक्सेस प्रेशर है, क्या ये? अब मैं तेरे को कुछ और बात बताऊं, इसमें अच्छे से सवाल। तूने कभी देखा है, कभी क्या पक्का देखा होगा, कपड़े धोए? अबे नहाया तो होगा। तो झाग वाला पानी बनाया कभी? उसमें जो बुलबुले बनते हैं वो पूरे पूरे बनते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनते हैं, होते कि नहीं होते? नहीं आया, नहीं आया। अब मैं तेरे को बोलूं कि ध्यान सुनना, वो जो दो बुलबुले हैं, वो जो दो बबल हैं, देखो ये जो दो बुलबुले हैं ऐसे, और मान लो ऐसे, क्या हुआ? दो बुलबुले हैं, अंदर भी एयर और वो झाग वाले बुलबुले, इसका रेडियस है R1 या R2, जिस ग्रेटर देन R1 एंड दिस इज R1 विच इज लेस देन R1, बबल है, दोनों मिल गए। अब मिले तो एक कॉमन इंटरफेस भी तो बना, क्या बना? मेरा पहला सवाल, वो इंटरफेस ऐसा बना, ऐसा बना कि सीधा बना? सवाल सबको चमका।
वो जो बबल था ना जो हम देखते आए थे, वैसे तो तुक्के में आंसर मत दो, लॉजिक लगाओ। मेरा सवाल सबको चमका, एक बड़ा बबल एक छोटा बबल, दोनों बबल बबल, हाँ ना बोले यार। उनको जब ऐसे मिले तो उनके एक इंटरफेस भी बना, वो कौन था? 1 2 3 आंसर सोच लो, कौन सा इंटरफेस? 1 2 की 3 1 2 की 3 1 2 की 3 3 की 2 की 1 कितने लोग बने? कितने लोग 2 है? कितने लोग 3 है? हॉट फाइट्स, लेट्स कंक्लूड। यहां का प्रेशर 3 और, तो यहां का प्रेशर 3 और प्लस F40y R2। अरे बबल लेना है तो, तो यहां का प्रेशर 3 और, तो यहां का प्रेशर नहीं आया, यहां का प्रेशर 3 और, तो यहां का प्रेशर P0 plus 40 by R1। कौन सा प्रेशर ज्यादा है? R1 वाला की R2 वाला? भाई जिसका रेडियस होगा छोटा उसका प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर होगा ज्यादा। जिधर होता है प्रेशर ज्यादा उधर कॉनकेव सरफेस की कॉन्वेक्स, मैंने बताई थी कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कौन? 1 2 3 शाबाश। अब ये जो 3 सरफेस बनी यार तुम्हें नहीं आया, इसका रेडियस R1 है, R2 है या कुछ और है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? बात नहीं, पहले तो ये सबको चमका। अब जो नई इंटरफेस बनी, अब जो नई, वो उसका भी तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका भी तो एक वो ये गोला ही लग रहा है क्या? परफेक्ट एकदम, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ। नहीं आया। अब मुझे अगर ये दो लेयर है कि एक लेयर, सोच के बोलो यार। दो किए इसके इधर का प्रेशर अलग है और इसके इधर का प्रेशर अलग है। इसके इधर का प्रेशर कितना है? P0 plus 40 by R1 minus P0 minus 40 by R2। क्या इसमें और इसमें इधर में इधर इतना ही प्रेशर डिफरेंस है? जैसे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो टू लेयर के लिए क्या 40 by R? तो नया 40 by R। ये क्या करा सोच? अरे क्या करा सोच है ना भाई साहब, प्राण निकल गए। ये कहां का प्रेशर? ये कहां का? अरे तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस तो यही है। तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है डबल लेयर में, वो क्या 40 by R के बराबर? और क्या R वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर? R वहां का। अब जो भी है, P0 ने P0 को, T ने T को, 4 ने 4 को, कितना आंसर आया? R2 R1 by R2 minus R1। कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आया? अच्छा आप सॉल्व भी नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया। R2 R1 by R2 minus R1, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल सिस्टम। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू बबल सिस्टम। प्राण प्रखेर उड़ गए सर हमारे। और सुन, ज्यादा हो गया क्या? पूरा लेक्चर जैसे मुझे याद है आपको याद होना, और पूरा ऐसे ही होगा, सब ऐसे ही। फिर ढंग से चीट करेंगे तबीयत से एकदम, एक एक सवाल छिन्न भिन्न।